नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट विद यूनिट टू आर अर्थ एंड आर हैबिटेट चैप्टर नंबर वन द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द अर्थ एंड आर सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम सन जो होता है वो सेंटर में होता है, सारी जो आपके एट प्लैनेट्स होते हैं उसके आप रिवॉल्व करते हैं, अराउंड इट रिवॉल्व. यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट वी कैन नो ऑल ऑफ स्पेस इन ऑल टाइम. इट इज जनरली वास्ट एंडलेस एंटायरली एम्प्टी विद स्मॉल क्लस्टर ऑफ मैटर एट एनर्जी. ये प्रोबेबली 15 बिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है. देयर आर बिलियंस ऑफ हेवनली बॉडी. कुछ बहुत ज्यादा फार अवे हैं, कुछ हम देख सकते हैं, कुछ हम नहीं देख सकते डेकेड आइट से. ये जो हेवनली बॉडीज हैं इसमें प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, सेटेलाइट, मेटियोर्स और आपके कॉमेट सब आते हैं. ऑल दी सेलेस्टियल बॉडी क्या फॉर्म करती हैं? दे टुगेदर फॉर्म यूनिवर्स. हैंस therefore word universe stands for everything that's exist in space and be it visible or invisible. wo visible bhi hote hai aapko invisible bhi hote hai. according to scientists it started expanding from day of big bang and it's still expanding. big bang ki wajah se expand hui aur aaj bhi ye expand ho rahi hai. galaxy ki baat karte hain, ye clusters of billion of stars hoti hai aur jo group of cluster of stars hote hai wo galaxy form karte hain. aur देर आर अबाउट 125 बिलियन गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में. हर एक गैलेक्सी में आपके बिलियन ऑफ स्टार. आवर सन एंड ऑल द स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज सीन इन द नाइट स्काई बिलोंग टू सच गैलेक्सी, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी या फिर आकाशगंगा कहते हैं हिंदी में. आवर सोलर सिस्टम इज टिनी स्पैक इज वन ऑफ द स्पिरिचुअल आर्म्स ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. और मिल्की वे क्या है? वो हमारी होम गैलेक्सी. नाउ मिल्की वे गैलेक्सी देर आर अबाउट 10,000 करोड़ स्टार्स इन अ मिल्की वे. For measuring the distance between two heavenly bodies, astronomers normally know it as light year. And the Earth है, का जो nearest star है, वो Proxima Centauri है, जो 4.2 light year away. Stars क्या है? They are balls of mainly hydrogen and helium gases. Many of them are even bigger than Sun. They look small because they are far. वो हमें छोटे क्यों दिखती है? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. And they have their own light and heat like Sun. The stars are formed by clouds of gases and dust in the space. जिसे हम नेबुला कहते हैं. It can be visible if there are stars nearby. वो जब visible होते हैं, जब स्टार आपके आसपास. Like all living beings, stars are also formed and live their lives and die. And lifespan जो होता है, वो vary करता है billions of time. ठीक है, उसके बाद solar system. As you have already learned, कि जो sun है, वो एक medium size star है among the billion of stars in Milky Way galaxy. Sun is not alone, it is very large family. Family of Sun को क्या कहा जाता है? Solar system. इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर आपका Sun एक planet और about 100 satellites, moon और numerous other comets, asteroids और meteors होते हैं. ये 470 करोड़ years old है, ये आपका 25,000 light year अभी center of the Milky Way galaxy से दूर located. Sun, ये head of the solar family में, it is located at the center of the system. ये medium sized star है. ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना है. टेम्परेचर ऑफ द सन है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. एंड इट इज एट द सेंटर. ये सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी है. अर्थ गेट्स ओनली फ्रैक्शन ऑफ सन एनर्जी, येट द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी है, लाइफ है वो अर्थ. डायमीटर है वो 1.9 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ अर्थ है. 150 मिलियन किलोमीटर क्या है? दूर है. नाउ प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, the solar system consists of all planets, their size and distance from the sun vary. According to the distance from the sun, aapke jo planet hai wo Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, what now? According to the size, agar hum baat kare, sabse bada Jupiter hai, phir Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars, Mercury. Among the eight planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, ye comparative closer hai sun ke aur ye rocks ke mane. तो इन्हें क्या, कौन से प्लैनेट कहा जाता है? इनर प्लैनेट और फिर या फिर आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है. अदर फोर जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सन से दूर है. मेनली ये गैसेस के बने होते हैं, फिर हमें क्या कहते हैं? गैस जीन्स. अब हम कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सोलर प्लैनेट्स की. ये किसके मेंबर होते हैं? सोलर सिस्टम के. इनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. दे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड एलिप्टिकल पार्ट, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं. द प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन दर एक्सिस. ये स्पेरिकल इन शेप होते हैं. द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन और रोटेशन होता है इस प्लैनेट का, वो डिफरेंट होता है. ऑल द प्लैनेट्स अगर हम बात करें एक्सेप्ट मर्करी और वीनस, दे हैव सेटेलाइट ऑफ देयर ओन. एंड टू प्लैनेट्स द सैटर्न और यूरेनस, इनके आस पास क्या है? रिंग्स है. नाउ अर्थ द ब्लू प्लैनेट, ठीक है. क्यों कहा जाता है ब्लू प्लैनेट?
इसमें जो वाटर है वो बहुत ज्यादा है। द अर्थ इज आवर होम प्लैनेट, इज थर्ड प्लैनेट आउट ऑफ सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट सोलर सिस्टम में। एंड जो शेप है वो स्पेरिकल है, ये स्लाइटली फ्लैटन है पोल्स पे और बल्जिंग है इक्वेटर। देखो कैसे है फ्लैट, जैसे ये आपका राउंड इन शेप है तो यहाँ पे थोड़ा क्या है, ये फ्लैट है। ठीक है, पोल्स पे क्या है, फ्लैट है। और जिसकी सर्कमफेरेंस है वो कितनी है, इट्स सर्कमफेरेंस इज 48,000 किलोमीटर और जो डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर। टोटल सरफेस एरिया 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वो बहुत टिनी प्लैनेट है एंड द अर्थ इज डिस्क्राइब एज यूनिट प्लैनेट बिकॉज यही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नाउ अर्थ हैव मेड इट्स यूनिक आर एज फॉलो, क्योंकि रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन अर एप्टिकल ऑर्बिट और 365 डेज और 6 आवर लेता है एक रेवोल्यूशन को कम्प्लीट करने में। जो पोजिशन है अर्थ की वो क्वाइट आइडियल है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, वो ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है और जो मिनिमम टेनिंग टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस। अर्थ हैज वेरी फेवरेबल टेम्परेचर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इफ द हीट रिसीव फ्रॉम द सन इज इधर इंक्रीज और डिक्रीज इवन 10। जो मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ है वुड बी बिकम अनफिट फॉर लाइफ, कुछ मेजर पार्ट है जो अनफिट है रहने के लिए। 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, यहाँ पे अबेंडेंस ऑफ वाटर है 3 स्टेट में, सॉलिड लिक्विड और गैस में। ठीक है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो गॉट न्यू प्लैनेट, इसलिए हम इसे न्यू प्लैनेट भी कहते हैं। अ प्रेजेंस ऑफ एजिटेट वाटर इन द ओशन प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। और जो एटमोस्फेरिक शील्ड है अराउंड द अर्थ इज नॉट ओनली रिच इन ऑक्सीजन, लेकिन वो हार्मफुल भी है क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है सन की वो अर्थ पे रीच कर। अब हम सैटेलाइट की अगर बात करें, सैटेलाइट क्या है, ऑब्जेक्ट है दैट ऑर्बिट प्लैनेट्स इन अदर स्पेस। सैटेलाइट क्या है, हेवनली बॉडीज है जो रिवॉल्व करती है अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट आर जनरली स्मॉलर देन प्लैनेट्स, जो जैनमिड है सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर वो सबसे बड़ी है। एंड हाउएवर अप टू अप्रैल 2005 साइंटिस्ट ने 134 सच मून्स को सोलर सिस्टम में डिस्कवर। अब इसके कुछ फीचर्स दिए हुए सैटेलाइट के कि मूव करते अराउंड द मदर प्लैनेट एज वेल एज ऑन इट्स एक्सिस। ये मूव करते अराउंड द प्लैनेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। जुपिटर हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है 39, फिस फॉलोड बाय सैटर्न 32, यूरेनस 21, नेपच्यून 8, मार्स 2 और आपकी अर्थ की एक वो क्या है वो। मर्करी एंड वीनस हैज नो सैटेलाइट लाइक प्लैनेट, सैटेलाइट हैव ओन लाइट ऑफ देयर ओन, ये इनके पास लाइट नहीं होती है। किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, सन। उसके बाद हम मून की बात करते हैं, इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये नियरेस्ट हेवनली बॉडी है, ये 384,400 किलोमीटर अवे है। इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मून हैज नो लाइट ऑफ इज ओन, ये सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है और 1.3 सेकेंड लेता है टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। Since Moon is the nearest heavenly body, he appear larger and brighter than any heavenly body जो present हो गया आपकी sky. Moon क्या है, 6th largest satellite है, largest being Ganymede satellite of Jupiter. इसका जो diameter है वो 3480, weight क्या है 1/81 है Earth के वेट। Moon revolves करता around the 27 days, 8 hours लेता है और it's rotate करता on its axis और कैसे west to east rotate. Since the time taken by to complete one revolution or one rotation is same, only one side of the moon is always visible. खाली आपको हमेशा एक साइड विजिबल होती है। ठीक है, the moon has no atmosphere, moon का अपना एटमोसफेयर नहीं होता। डे टेम्परेचर जो होता है वो हाई जाता है अबाउट 130 डिग्री सेल्सियस और जो नाइट का टेम्परेचर है वो गिर जाता है, कितना लो हो जाता है अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम फेजेज ऑफ मून की बात करें, द विजिबल शेप ऑफ द मून कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम नाइट टू नाइट। फ्रॉम 15 डेज जो लाइटेड पोर्शन है वो इंक्रीज होता रहता है डे बाय डे और वो कम्प्लीटली राउंड हो जाता है कम फुल मून नाइट। फिर ड्यूरिंग नेक्स्ट 15 डेज जो लिफ्टेड पोर्शन होता है वो डिक्रीज करता है और वैनिश करता है कम्प्लीटली, उसको हम वैक्सिंग कहते हैं और वैनिंग फेजेस ऑफ मून का। टोटल फेज टेक करता है 29 डेज और 12 आवर्स एंड एक्चुअली मून इज ऑलवेज हाफ डार्क एंड हाफ ब्राइट। ऑन फुल मून नाइट वी कैन सी अ ब्राइट हाफ ऑफ द मून, देयर आर नो मून लाइट, हम डार्क हाफ ऑफ द मून देखते हैं। फिर अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे थे, मर्करी ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का, नो मून। टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग डे रहता है और नाइट में -170 डिग्री सेल्सियस। वीनस ये सेकेंड प्लैनेट है, इसका जो साइज है सिमिलर है, इसको हम अर्थ का ट्विन प्लैनेट कहते हैं, इसका कोई मून नहीं होता, इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ठीक है, मार्स इसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं, फोर्थ प्लैनेट है, हाफ द साइज ऑफ अर्थ है, रोटेशन पीरियड सेम है जितना अर्थ। फिर है जुपिटर, ये जुपिटर जो है वो बिगेस्ट प्लैनेट है,
39 सेटेलाइट है जिनमें आपकी लार्जेस्ट है जेनमाइड, इट इज द फर्स्ट वेल्थ मिनी सोलर सिस्टम। सैटर्न सबसे ब्यूटीफुल और सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट है। 32 मून्स हैं, अमेजिंग सिस्टम ऑफ रिंग है जो आईसी पार्टिकल से बनी है। कंपेरिजन टू इनर पार्ट, आउटर पार्ट की जो रिंग है वो ऑर्बिट की एट अ सोलर स्पीड। फिर है यूरेनस, 1781 में विलियम हार्डशिप रिडिस्कवर करा। इट इज सराउंडेड बाई प्लेनेटरी रिंग्स। अकॉर्डिंग टू नासा यूरेनस के पास कितने मून है, 21। नेपट्यून, बिकॉज ऑफ दिस सिमिलैरिटी नेपट्यून टुगेदर विद यूरेनस इज नोन एज ट्विन जेन, इसके 8 मून है और ये फोर्थ प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम। अब कुछ हम हेवनली बॉडीज की बात करते हैं, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मीटियर्स। कॉमेट्स इसको ऑफ्टन कॉल्ड विजिटर ऑफ द सोलर सिस्टम, दे आर हेवनली बॉडी जो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन इन अ लॉन्ग ऑर्बिटल पाथ। दे आर मेड ऑफ फूज लम्स ऑफ स्नो एंड रॉकी डस्ट। ये अप्रोच करता है सन को, डेवलप करता है लॉन्ग टेल। अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही ये मूव करता है अवे फ्रॉम द सन, जो टेल होती है वो शॉर्टन हो जाती है और फाइनली डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, लास्टली क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाती है। हैले कॉमेट, इट अपियर्स आफ्टर 76 ईयर, लास्ट सीन हुआ था 1986 में और दोबारा कब दिखेगा, कब रीअपीयर होगा, 2062। एस्ट्रॉइड्स, ये प्लैनेटॉइड्स होते हैं, इन्हें बिना माइनोक्राइट्स कहते हैं, इनमें टिनी लम्स होते हैं रॉक्स के। एंड इट इज बिलीव दैट एस्ट्रॉइड्स आर बी ब्रोकन पीसेज ऑफ सम प्लांट एंड एक्सप्लोडेड सून आफ्टर द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड होता है, इसे हम सेरस कहते हैं, जो मेजर करता है 900 किलोमीटर इन टाइम। मेटियोर्स की हम बात करते हैं, शूटिंग स्टार कहा जाता है, क्लियर नाइट पे हम इनको ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट अक्रॉस द स्काई देख, इन्हें शूटिंग स्टार है, आपको बता ही दिया। जो मेटियोर्स होता है ये टिनी पीस ऑफ रॉक होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, दे आर कम्प्लीटली इन द एटमोसफेयर। ये एक बिग क्रिएटर क्रिएट करते हैं, हम मेटियोर्स है। सबसे बड़ा मेटियोर आपको यूएसए में दिखता है जिसका नाम है एरिजोन। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, पैटर्न ऑफ स्टार्स आपको स्काई में दिखता है, डिफरेंट शेप के सप्तऋषि, ऊषा, मेजर। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन है, ग्रुप ऑफ 7 स्टार है। ये सेवन जो हमारे फेमस सेजेस उनके नाम से जाने जाते हैं, जैसे आपका ग्रेट बियर हो गया, ऊषा माइनर। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।